हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं निखिल राणा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। आज बच्चों हम जो चलेंगे अपना जो हमारे चल रहे थे डिविजिबिलिटी रूल है ना, विभाज्यता नियम हम जो चला रहे थे उसके आज हमारा क्या कह रहा था। लास्ट क्लास में हमने 9 तक कर दिया था है ना। आज मैं आपको 11 और 12 का भी बताऊंगा, 13 का एक बार के लिए लिखवा दूंगा, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ नॉलेज के लिए जरूरी है, नॉलेज में होना चाहिए। 13 का भी, 11, 12, 13 का हम आज सीखेंगे कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल कैसे हम पता लगा देते हैं कि हाँ ये 11 से कट रहा है, ये 12 से कट रहा है, 13 से ये नंबर कट रहा है ना, जो कि हमारी कैलकुलेशन में यूज होता है। सेकेंड थिंग, आप इसके बाद और इसी लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्यूब एंड क्यूबॉइड का 13.1 के क्वेश्चंस, ठीक है। 13.1 को आज हम पढ़ेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसको विस्तार से समझेंगे। और अगेन जैसे मैं बोलता आया हूँ, हमें फॉर्मुलेस नहीं रटने होते हैं, हम फॉर्मुलेस यहाँ भी बनाएंगे, समझेंगे और करेंगे। और आप लोगों से बिल्कुल जैसे बच्चे आप लोग जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से आप हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसे ही जुड़े रहें और बिल्कुल ऐसे साथ देते रहें तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा ही लगेगा। चलिए तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों हमारा 9 तक का हो गया था है ना, 3 और 9 का ऑलमोस्ट सेम था, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल ऑलमोस्ट सेम था। तो अब हम चल रहे हैं 10 का। तो देखो 10 का तो मैं क्या ही बताऊं, 10 का तो आप सबको पता है 10 से कौन सा नंबर कटता है, वो सब आप सबको ही पता है। 10 से वो सब नंबर कट जाते हैं जिसके पीछे जीरो होता है ना, ये जीरो 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 जो भी हो अपॉन 10, ये 10 से कट ही जाएगा, 10 से भी जाएगा। तो मेरे को 10 का तो बताने की जरूरत नहीं है, 10 का तो आप सबको पता ही है ना, 10 का आप सबको पता ही है। तो जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, जो हम अभी करेंगे वो हम करेंगे 11 का, ठीक है, 11 का। 11 का विभाज्यता नियम क्या है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है उसको हम पढ़ेंगे है ना। ये क्या कर रहे हैं हम, डिविजिबिलिटी रूल ठीक है, विभाज्यता नियम क्लियर। अब आपको इसमें बिल्कुल नहीं जाना है, मेरी राइटिंग में और स्पेलिंग में मत जाइएगा, ठीक है। मैथ्स के हम टीचर है, इंग्लिश के नहीं है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता नियम हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों अब जो हम इसमें लेके चल रहे हैं, अब हम 11th का लेके चल रहे हैं, सॉरी सॉरी 11th बोलो, 11th 11th का लेके चल रहे हैं। तो 11 यानी कि जो 11 है, 11 का क्या हमारा 11 का रूल है, 11 का रूल क्या है उसको हम लेके चल रहे हैं। तो 11 का रूल क्या होता है, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट नंबर भी, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट एंड देन सब्ट्रैक्ट, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट एंड देन सब्ट्रैक्ट, फिर रिजल्ट शुड बी जीरो और डिविजिबल बाय 11। अब मैं बच्चों आपको समझा देता हूँ हिंदी मीडियम के बच्चे, अगर नहीं समझ आए बच्चों मैं आपको ये समझा दूंगा। इसमें क्या है, मैंने लिखा है सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, डिजिट मैंने आपको पता है, डिजिट मतलब अंक है ना, जो हमारे एक एक संख्या होती है उसको हम डिजिट बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट मतलब बच्चों एक को छोड़ के, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के, जैसे आज सोमवार है तो सोमवार का एक दिन छोड़ के मंगलवार को छोड़ के फिर आएगा बुधवार है ना, मंडे ट्यूसडे को छोड़ेंगे तो वेडनेसडे, मैं बोलूंगा आपको अल्टरनेट डेज स्कूल आना है, ठीक है। यानी कि अल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़ के आपको स्कूल आना है, एक वक्त छोड़ के आपको स्कूल आना है। तो आप अगर मंडे को आए तो आप फिर वेडनेसडे को आओगे, वेडनेसडे को आए तो फिर आप सीधे फ्राइडे को आओगे, आप एक दिन छोड़ रहे, तो वो होते हैं अल्टरनेट डेज है ना, ठीक है। तो अल्टरनेट मतलब क्या होता है, एक दिन छोड़ के, यानी एक कम छोड़ के हम जिसके बारे में बात करते हैं, तो अल्टरनेट का मतलब वो होता है, ठीक है, ये अल्टरनेट का मतलब वो होता है, क्लियर। सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट उनका सम करो, देन उनको सब्ट्रैक्ट करो, एंड रिजल्टेंट नंबर या रिजल्ट नंबर जो भी हमारा होगा, ठीक है, शुड बी जीरो और रिजल्टेंट नंबर शुड बी जीरो और डिविजिबल बाय 11, ये हमारा होगा, क्लियर। अब क्या है, अब इसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी इसमें हम देख लेते हैं ना, एग्जाम्पल भी इसमें हम देख लेते हैं, 6, 3, 8, क्या ये 11 से कटेगा, क्या ये 11 से कटेगा है ना, क्या ये 11 से कटेगा, इसको हम कैसे देखेंगे, आइए 11 से कटेगा नहीं कटेगा, अल्टरनेट नंबर, सम ऑफ अल्टरनेट नंबर, 8 और 6, 14 है ना, 8 और 6, 14, 14 में से ये और इधर तो कुछ है ही नहीं, तो 3 ही लूंगा मैं ना,
हमने सम कर दिया 14 और 3, उसके बाद क्या करना है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 14 में से 3 गए 11, यस, यानी इसका रिजल्ट नंबर क्या आया, रिजल्टेंट नंबर जो मेरे पास आया, रिजल्टेंट नंबर, रिजल्ट शुड बी हमारा क्या होना चाहिए था बच्चों, रिजल्ट शुड बी हमारा क्या होना चाहिए था, शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 11। तो 11 तो हमारा आता ही है ना, 11 डिविजिबल बाय 11 और 11 कुछ भी लिख लो, 11 आ जाए उसको सब्ट्रैक्ट करके 11 आ जाए, या कुछ ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो 6 और 8 14 14 में 3 गए 11, यार 11 आ रहा है, यानी कि ये 638 जो है हमारा 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। काट के देखते हैं कट रहा है नहीं कट रहा है। 11 5 55, ठीक है, 5 8 आएगा, 11 8 88, आप देखोगे 58 टाइम ये कट रहा है, ठीक है, 58 टाइम से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल हमारा 638 हो गया। अब दूसरा लेके चलते हैं, दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं 3 4 3 2, है ना, 3 4 3 2 हमारा एक एग्जांपल, इसको लेके चलते हैं। चलिए 3 और 3 6 4 और 2 6 6 आ गया और 4 2 6, और उसके बाद हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, 0। तो जैसे यहाँ पे गया था 8 और 3 11 11 और 3 सॉरी 8 और 6 14 14 3, यहाँ 11 आया था रिजल्ट, यहाँ 0 आ गया। तो मैंने बोला था जो रिजल्टेंट नंबर होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, यस। 3 4 3 2 भी हमारा क्या होगा, उससे डिवाइड होगा। चेक कर लेते हैं 3 4 3 2 को, क्या सही में होगा, 11 3 जा 33, 4 में 3 गया 1 13, 11 1 जा 11, 3 से गया 2 2, 11 2 नहीं 22, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा डिवाइड होगा, क्लियर, ये हमारा डिवाइड होगा, बिल्कुल हमने डिविजिबिलिटी रूल से सीखा ही कि ये डिवाइड होगा, क्लियर। एक एग्जांपल चलिए और लेके चलते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको, क्योंकि बच्चों ने 11 का ही मुझे बोला था सर आपने किया कैसे, 1056 है ना, तीसरा हमने ले लिया 1056 है। 1056 आप देखेंगे 5 और 1 6 और 0 और 6 6, तो 6 माइनस 6 0, यस, ये भी जा रहा है ना, ये भी हमारा जा रहा है। चलिए एक और देख लेते हैं, एक और कोई हम एग्जांपल लेते हैं, 21824, ये एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ना, 21824, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे इसमें क्या है अल्टरनेट नंबर, 8 और 2 10, 10 और 4 14, ध्यान से देखना इसको, 8 और 2 10, 10 और 4 14, ठीक है, और ये तो अल्टरनेट नंबर, अब बचे कौन से अल्टरनेट, ये वाले बचे 2 और 1 3, 14 में से 3 गया 11, यस, यानी कि ये भी 11 से, जो 21824 है मेरा, ये भी 11 से जाएगा। चलो इसे चेक कर लेते हैं, 21824 को मैं 11 से डिवाइड करता हूं, इसको हम चेक कर लेते हैं ना, 11 1 जा 11, 0, 8 नीचे उतरेगा, 11 9 जा 99, ठीक है, फिर ये 2 नीचे उठेगा, 11 8 जा 88, फिर 12 में 4 गए 4 और ये 4 नीचे उतरेगा, 11 4 जा 44, और ये हमारा कट जाएगा, यस, यानी कि ये भी डिवाइड हो रहा है ना, ये भी डिवाइड हो रहा है, क्लियर, ये 11 का हमने लिख लिया। इतना समझ में आया बच्चों, ठीक है, तो ये 21824 ही हो गया। चलो एक और देख लेते हैं, 5508, क्या ये होगा, 5 और 0 5, 8 और 5 13, तो 13 में से 5 गए क्या होता है 8, नहीं ये हमारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा रिजल्टेंट नंबर क्या है 8 आया है, ना ये 0 आया है, ना ये एक ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो यानी कि 5508 से ये जो 5508 है हमारा क्या होगा, इससे डिवाइड नहीं होगा, क्लियर, ये क्लियर हुआ। चलिए 11 का नोट कर लिया बच्चों, चलिए वेरी गुड, नोट कर लिया इसको, ये एग्जांपल है और समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम 12 का, है ना, 12 का हम लिखेंगे, देखो जैसे 4 का 8 से रिलेटेड था ना, 4 का क्या था, 4 का था लास्ट के 2 डिजिट नंबर जाने चाहिए, लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए, 4 का डिजिटल रूल ये था, और 8 का क्या था कि लास्ट के 3 डिजिट जाने चाहिए और या फिर 3 जीरो होने चाहिए। अब 4 8 उसके बाद हम लेते हैं बाद, और उसी वैसे ही हम क्या करेंगे, 4 6 का क्या था, 6 में वो नंबर थे जो हमारे 2 और 3 से डिविजिबल हो जाए, और वही चीज हमारी 12 में होगी, 12 में क्या हो जाएगा, 12 में नंबर शुड बी डिविजिबल, 12 से वो डिवाइड होंगे जो नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 3 एंड 4, 3 एंड 4 से जो दोनों डिवाइड हो जाए, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल, 12 का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हाँ, होता है, क्यों नहीं होता, बट आप वो तब तक इंपॉर्टेंट है जब तक आप टेबल पढ़ा रहे हैं, सॉरी जब तक आपको टेबल पता है तब तक वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं लिखूं 5508,
क्या बोला मैंने, नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 3 एंड 4, 3 और 4 से डिवाइड होगा तभी वो नंबर 12 से डिवाइड होगा, ये है ना। तो चलिए पहले 4, 3 से देखें, 3 का डिजिट रूल क्या कहता है, डिजिट का सम, 5 और 5 10, 10 और 0 0, और 10 और 8 18, तो 18 3 की टेबल में आता है, यस, यानी कि 3 से जा रहा है। 4 से चेक करते हैं, 4 में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट 8, 8 आता है 4 की टेबल में, हाँ आता है 8 4 की टेबल में, तो यस ये 4 से भी जा रहा है। तो जब ये 3 और 4 दोनों से जा रहा है तो ये 12 से भी जाएगा, क्लियर। ये हमारा 12 का ड्यूबिलिटी रूल है कि 12 से कौन नंबर जा रहा है, ये भी हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्लियर, 12 का, ठीक है। तो ये 12 का था, इसको भी नोट कर लें आप, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ, 5508 एक इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमने क्या करा, 5 5 10 10 0 0 18, हमने देखा यार 3 से तो ये जा रहा है, अब 4 से देखते हैं, 4 के लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट 4 से जा रहे हैं, हाँ लास्ट 2 डिजिट क्या बन रहे हैं, 0 और 8, 8 ही तो बनेगा यहाँ, 8 तो यानी 4 2 8, हाँ ये भी 4 से भी जा रहा है, तो बस ये 12 से भी जाएगा, क्लियर। आप बाकी के एग्जाम्पल आप खुद घर में खुद करिएगा, क्लियर, बाकी के एग्जाम्पल आप घर में खुद करिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 13 का लिख ही लें, 13 होता क्या है ना, 13 का वैसे इतना इंपॉर्टेंट आपको आएगा नहीं, चलिए 13 का रहने दीजिए, 13 का आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आप इतने लिखें, अगली क्लास में आपको 13 कभी और हम पढ़ेंगे तो उसमें 13 का भी बता देंगे, 13 17 या और कुछ नई चीज भी हम लेके आएंगे, ठीक है, कुछ और नई चीज भी हम लेके आएंगे कि 13 के बाद 13 18 17 15 है ना, वो भी हम लेके आएंगे, साथ में स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं अच्छे शॉर्ट तरीके से, वो भी मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा। तो अभी हम जो चल रहे हैं, अब हम चलेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि घन और घनाभ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए घन और घनाभ एक बार स्मार्ट, अब चलते हैं हम अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और पढ़ते हैं घन और घनाभ को, स्टार्ट करते हैं जो कि आपका 13.1 जो आपका है, 13.1 एंड 13.4 हम यहाँ साथ लेके चलेंगे, तो चलिए चलते हैं घन और घनाभ। तो बच्चों ये हमारा घनाभ यानी कि हमारा क्या है, क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड है, इसमें आप देखेंगे, ठीक है, क्यूबॉइड है ये हमारा क्यूब है, क्लियर। तो क्यूब से हम अगर स्टार्ट करें बच्चों, क्यूब से अगर मैं स्टार्ट करूं, क्यूब क्या होता है, क्यूब हमारा स्क्वायर से बना होता है, स्क्वायर है ना, यानी कि आयत और स्क्वायर को हिंदी में क्या, वर्ग जो हमारा होता है उससे हमारा वो बना होता है। अब कैसे इसको कैसे हम देखेंगे, मैं आपको एक चीज से समझाऊंगा, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है बच्चों, स्क्वायर में हम देखेंगे कि स्क्वायर का आप लोग को पता है, ठीक है, स्क्वायर वर्ग से बनता, ऐसे बनता है स्क्वायर से, ये हमारा घन हो गया है ना, ये हमारा घन हो गया। इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें 6 फेसेस, यानी कि अब अच्छा मैं हिंदी में बोल दूं, फेस क्या होता है हमारा, फलक, ठीक है, फेसेस को हम बोलेंगे फलक, एजेस को हम बोलेंगे किनारे, और वर्टिसेस को हम बोलेंगे कोने, ठीक है, वर्टिसेस को हम बोलेंगे कोने, ठीक है। तो ये हमारे 6 इसमें फेसेस होते हैं, ठीक है। अब ये स्क्वायर से बनाए तो जाहिर सी बात है जो इसके सारी लेंथ ब्रेथ हाइट होगी वो सेम होगी, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट होगी जो उसकी सेम होगी, ठीक है। अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और तो ये हमारी हाइट होगी, तो ये हमारी हाइट होगी, क्लियर। आओ पहले इसको बच्चों थोड़ा फिजिकली समझे कि ये है क्या चीज, ठीक है। तो चलिए इसको मैं एक बार आपको फिजिकली, आपको थोड़ा प्रैक्टिकली इस चीज को मैं समझा देता हूँ, क्लियर। तो चलिए आइए इसको हम समझते हैं कि ये प्रैक्टिकली क्या है, उसके बाद हम इसको अपना इसमें समझेंगे, क्या बोलते हैं बोर्ड में फिर हम समझेंगे, वो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा फिर समझना। तो चलिए समझते हैं। तो बच्चों एक घन, एक क्यूब है ना, यानी कि ये क्या है क्यूब है ना। अगर मैं इसको दिखाना चाहिए, देखिए क्यूब है। अब बच्चों ये क्या है, इसके चारों जो इसके जितने भी फेसेज है ना, इसके फेसेज यानी कि फलक की मैं बात कर रहा हूँ, फेसेज जो इसके फेसेज हैं वो क्या है, एक फेस ये हो गया, एक सामने ये फेस, फिर ये इधर वाला, ये इधर वाला, फिर नीचे देखो 1 2 3 4 5 और 6 आगे पीछे 6 फेस हो गए हमारे, है ना। तो इसमें 6 फलक होते हैं, जो हमारे क्यूबॉइड में क्या होता है, 6 फलक, 6 फलक, 6 फेसेस होते हैं। अब मैं इसमें एक चीज और समझाऊं आपको बच्चों, जो इसमें एजेस यानी कि किनारे की मैं बात कर रहा हूं, किनारे की बात हम क्या कर रहे हैं, आप इसमें देखेंगे ये क्या है, ये जो इसका जहां पे दो फेसेस हमारे मिलेंगे, देखिए एक फेस ये वाला हो गया जिसमें मेरी उंगली है, और एक फेसेस ये ऊपर हो गया, ये वाला है ना, ये वाला, तो एक फेस ये वाला है, एक फेस ये वाला है, ऐसे बहुत 6 फेसेस हैं। तो जहां पे दो फलक मिलेंगे,
ठीक है, वहां पे एक एज बनेगा, तो ये एज बनेगा, ये एज बन गया है, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये एज बन गया है, ठीक है। जहां पे दो फेसेस हमारे क्या होंगे, मिलेंगे, दो फलक जहां पे मिलेंगे वहां पे हमारे एजेस होंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कितने एजेस होंगे, वन टू, एक इधर, एक इसके इधर वाला है ना, आप देख सकते हैं वन टू, ठीक है, उसी प्रकार से पीछे भी होंगे थ्री फोर, ठीक है, फाइव सिक्स, और इसी प्रकार से सेवन और एट, यानी कि इसमें कितने हमारे आठ क्या होंगे, आठ क्या होंगे, फेसेस होंगे, सॉरी आठ हमारे एजेस होंगे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, किनारे। अब कोण की बात आती है, तो जहां पे हमारे एजेस मिलते हैं बच्चों, अब मैंने एजेस क्या बताया था, एजेस क्या होते हैं, जहां पे हमारे फलक, जो दो फलक हमारे मिलते हैं वो एजेस होते हैं ना, यानी कि एक फेस अगर ये है और एक फेस ये है, ठीक है, तो ये दो जहां मिल रहे हैं वहां एक एज बन रहा है। अब जहां पे दो एज मिल रहे हैं, दो किनारे मिल रहे हैं, वहां पे कोणा बन रहा है, कोण बन रहा है, जिसको हम वर्टिक्स बोलते हैं, और बहुत सारे वर्टिक्स को हम वर्टिसेस बोलते हैं, क्लियर। तो जहां पे हमारे दो एजेस मिलेंगे, जहां पे हमारे दो क्या मिलेंगे, कोने, दो किनारे मिलेंगे, वहां पे एक वर्टिस बनेगा, क्लियर। तो अब देखिए एक, ठीक है, आप यहां देखिए, ये देखिए एक एज ये हो गया, एक एज ये हो गया, तो ये कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है ना, तो एक एक, तो कितने कोने हो गए, एक कोने, तो एक कोना यहां पे हमारा बन गया है, ठीक है। तो बच्चों एजेस हम इसमें देखेंगे, पहले हम सॉरी इसमें एजेस देख लें, एजेस कितनी थी, वन टू थ्री फोर, चार एजेस ये थी, ठीक है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और एक आगे वाली ट्वेल्व। आप अपने खुद एक क्यूब का पासा होता है ना, पासा जिसे हम लूडो खेलते हैं, आप उसमें भी ये देख सकते हैं, ठीक है, उसमें भी आप देखेंगे। आपको यहाँ अगर कैमरे में नहीं दिख पा रहा है, इतना साफ नहीं दिख पा रहा है, तो आप खुद प्रैक्टिकली ले लें, मैंने आपको बाकी चीज तो समझा दी है, ठीक है, तो उसको आप खुद अप्लाई करें। तो ये क्या हमारा एजेस हो गया। अब वर्टिसेस मैंने क्या बोला, कोने, जहां पे हमारे एजेस मिलते हैं, जहां पे हमारे किनारे मिलते हैं, तो एक किनारा ये हो गया और एक किनारा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ये वर्टिस, तो ऐसे कितने कोने, एक दो तीन चार, ठीक है, पांच छ सात आठ, ठीक है, तो आठ हमारे क्या है कोने हो गए, ठीक है, आठ हमारे वर्टिसेस हो गए, क्लियर। अब आप देखिए, थोड़ा इसको जूम आउट कर दिया गया है, अब आप देख सकते हैं कि ये, मैंने फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, ये मैं एक तरह से बता देता हूँ, फेसेस, बच्चों इंग्लिश में इसको फेसेस बोलते हैं, जो ये सतह होती है, ठीक है, ये फलक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये फलक हो गया, फेस हो गया, ये और ये सारे, तो कितने फलक होगा हमारे पास, एक आप देख सकते हैं एक, ठीक है, एक इसके पीछे होगा दो, एक नीचे होगा तीन, एक ऊपर होगा चार, एक ये वाला होगा पांच, और एक इधर वाला होगा छह। तो मेरे पास कितने फेसेस हो गए, छह फेसेस हो गए। फिर मैं एजेस पे आया, किनारे पे आया, मैंने बोला जहां पे दो फेसेस हमारे मिलते हैं, जैसे ये एक फेस हो गया और एक ये फेस, ये वाला कौन सा बोल रहा हूं मैं, ये वाला बोल रहा हूं, ये है ना ऊपर वाला, तो ये और ये फेस हमारे जहां मिलते हैं वहां पे एक एज बन जाता है, एक किनारा आ जाता है, तो ये किनारे हो गए, ये लंबी जो लाइन है किनारे, ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, ठीक है, और ये किनारा हो गया, ये वाला किनारा कौन सा होगा, इस फेस का और इस फेस का किनारा होगा, ये है ना, ये वाला किनारा उसका होगा। तो हमारे पास ऐसे 12 किनारे होते हैं, 12 एजेस होते हैं। फिर हम वर्टिसेस में आए, वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस हमारे होते हैं जहां पे हमारे एजेस मिलते हैं, ठीक है, ये एजेस, ये एक कोना और ये किनारा, आप देख सकते हैं ये और ये है ना, ये एक एज ये आ गया, एक एज ये आ गया, तो जहां पे ये मिल रहा होगा वहां पे हमारा क्या होगा, वहां पे क्या होगा, एक वर्टेक्स बनेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे कितने वर्टेक्स होते हैं, आठ, और प्लूरल को वर्टेक्स में बोलते हैं वर्टिसेस, कोण, कोणे, है ना, तो एक दो तीन चार, चार ये हैं और चार इस तरफ होंगे, पांच छ सात आठ, है ना, आप फिर से देखिए, फिर से बता दूं, है ना, चार ये हो गए, एक दो तीन चार, ठीक है, और चार मेरे इस तरफ होंगे, पीछे वाली तरफ हो गए, पांच छ, ठीक है, सात आठ, क्लियर। तो जो हमारे वर्टिसेस होंगे वो हमारे आठ वर्टिसेस होंगे एक क्यूब में, क्लियर, इतनी चीज समझ में आई। तो ये हमारा था क्यूब, अब उसी प्रकार से हम किस में जाएंगे, उसी प्रकार से हम क्यूबॉइड में भी जाएंगे, क्लियर, क्यूबॉइड को भी समझ लेते हैं एक बार, क्यूबॉइड में कैसे। अब मैं आपको पहले इसमें आ जाता हूं, स्क्रीन में आ जाता हूं, ठीक है, स्मार्ट स्क्रीन में इसमें ओवरव्यू करते हैं, फिर हम क्यूबॉइड की तरफ चलेंगे। तो बच्चों अब हमारा क्या है, ये क्या है, वो है ये हमारा क्यूबॉइड, मैंने जैसे कि आपको बताया, ठीक है, कि कितना हम इसमें लेके चलेंगे, देखिए ये हो गया, इसमें हम देखते हैं, मैंने आपको ये,
अब देखो जिस तरह से मैं बताऊं कि ये क्या था, स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है ना, स्क्वायर से बना है, स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है, अगर एक 4 सेंटीमीटर है तो सारी 4 सेंटीमीटर, मैंने ए मान लिया, तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और जो ये गया है ये भी ए होगा, है ना, यानी कि हमारी जो लेंथ ब्रेथ हाइट है इसमें सबसे है जो लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारी बराबर रहती है, क्या बोला मैंने, लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारी क्या रहती है, बराबर रहती है, ठीक है, ये मैंने आपको इसमें बता दिया, क्लियर। अब आप क्या देखेंगे, अब इसमें एक चीज और है, ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट चीज जो इसमें मेन है, ठीक है, फेसेस में कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको बता दिया है, तो इसके फेसेस हो गए ये दो, है ना, 3, 4, 5 और एक पीछे वाला जो इसके पीछे 6 फेसेस हो गए, 12 इसके एजेस हो गए, एजेस कौन से हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, ठीक है, ये नीचे आएगा, इसमें 3D फिगर है ना, 3 डायमेंशन से बनता है, कितना, 3 डायमेंशन, और वो 3 डायमेंशन कौन कौन सी है, 3 डायमेंशन से बनता है ये फिगर, वो 3 डायमेंशन है लेंथ, ठीक है, वो 3 डायमेंशन है लेंथ ब्रेथ और हाइट, है ना, वो 3 डायमेंशन है लेंथ ब्रेथ और हाइट, क्लियर बच्चों, तो ये हमारी लेंथ, वैसे हमारे कितने कोने हो गए, 1, 2, 3, 4, ठीक है, वैसे 5, 6, ठीक है, 7 और 8, 8 हमारे वर्टिसेस हो गए, क्लियर, तो ये हमारा किसका था, अब हम फॉर्मुलेज में भी आएंगे, वो उसके बाद फॉर्मुलेज में आएंगे, पहले आप फिगर को समझो, फिर हम थोड़ा फॉर्मुलेज में भी आएंगे, क्लियर, तो आज के लिए जो हमारी क्लास रहेगी, अभी हमने क्यूब क्लिप क्यूब के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम क्यूबॉइड भी पढ़ेंगे, और क्यूबॉइड के साथ साथ हम इनके फॉर्मुलेज को भी देखेंगे कि फॉर्मुलेज क्या फॉर्मुलेज होते हैं, कैसे इसके फॉर्मुलेज आते हैं, क्लियर, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और जिन बच्चों के लेक्चर छूट गए हो वो हमारे YouTube चैनल डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप में भी लेक्चर्स देख सकते हैं, तो आज के लिए हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।